महाराज माफ कीजिएगा महाराज, इजाजत ना होते हुए भी हम अंदर आ गए, परंतु बात ही कुछ ऐसी है। कैसा प्रसंग? युवराज शायद कोई साहसी निर्णय ले सकते हैं। साहसी निर्णय मतलब? दिलेर खान के पास जाने का निर्णय। हमेरा, हमारा बेटा हमारे हाथों से निकल ना जाए। चिंता मत कीजिए महाराज, शंभू राजे को लेकर ही आऊंगा। दिलेर खान को जल्द से जल्द संदेश भेजिए, हम आ रहे हैं। युवराज, शायद ये संक्रांत हमारे लिए अच्छा समय लाएगा। सेनापति, सेनापति। क्या रे, क्या हुआ? दिलेर खान की एक टुकड़ी कल माउल के आसपास घूम रही थी। कितने लोगों की फौज है? कल 1000-1500 की फौज थी, लेकिन आज सुबह बड़ी हुई लग रही है। वही खबर देने जा रहा था युवराज को। हम दे देंगे खबर युवराज को, तुम नजर रखे रखो। पहले हम सज्जनगढ़ जाते हैं, युवराज को खबर देते हैं। लेकिन सेनापति। अरे मजबूती का नाम हमीर राव। चलो जाओ। बहुरानी बताइए क्या हुआ है? युवराज बहुत नाराज है, आपके भेजे हुए खलीते भी जला दिए हैं उन्होंने। क्या? पर ऐसे अचानक नाराज होने जैसा क्या घटित हुआ? ऐसे कुछ एक ही दिन में घटित नहीं हुआ है, हर आरोप के साथ युवराज की नाराजगी बढ़ती गई। लेकिन युवराज कुछ गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पर शंभू राजे आज तक कभी गलत नहीं हुए हैं और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। पिताश्री, आप दक्षिण मुहिम से लौट आए लेकिन युवराज से नहीं मिले, इस बात से वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, और रायगढ़ से भी मिलने का कोई संदेश नहीं आया। हमने युवराज को मिलने के लिए खलीता भेजा था, पनहलगढ़ में हमने उनका इंतजार भी किया पर युवराज आए नहीं। पिताश्री, वो नहीं आए तो नहीं आए, पर वो क्यों नहीं आए इसके स्पष्टीकरण भी हमारे पास आई नहीं है। वास्तव में क्या हो रहा है यही हमारी समझ में नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर रुके और थोड़ा इंतजार कर लें ऐसा हमें भी लगा, लेकिन कब तक? हमारी सेना थक गई थी, सबको घर जाने की लालसा थी, फिर हम भी मजबूर हुए और इसलिए हम रायगढ़ आ गए। लेकिन सच बात तो यह है कि ऐसा कोई खलीता हमें मिला ही नहीं जिसमें मिलने की बात की गई हो। ये नामुमकिन है बहुरानी। हमें बस एक खलीता मिला था। वही था वो। नहीं पिताश्री, उसमें लिखा था कि आप आगे जा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि युवराज आपसे मिलने के लिए आए। इसका मतलब हमने लिखा हुआ खलीता आप तक पहुंचा ही नहीं, और आपके पास जो खलीता पहुंचा वो हमने लिखा ही नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है, हम आ रहे हैं मिलने आओ। शिवाजी का खलीता। स्वाहा। चिरंजीव युवराज शंभू राजे, आप हमें मिलने। मत आना। और उसी वजह से युवराज की मनस्थिति खराब हो गई। शंभू बेटा, शंभू बेटा, हम समझ सकते हैं वो खलीता पढ़कर शंभू राजे को कैसा महसूस हुआ होगा। इसका एक ही अर्थ है, खलीते की अदला बदली हुई है और जरूर उस दिलेर खान ने की है। शत्रु ने मौके का फायदा उठाया। हम यहाँ उस शाह आलम को फोड़ने की योजना बना रहे थे और वहां दिलेर खान हमारे बच्चे को हमसे दूर करने की योजना बना रहा है। हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, पिताश्री को क्या लगेगा? हम पिताश्री के पुण्य पर, उनके कष्टों पर पानी छोड़ रहे हैं। हम अपने वारस हक पर, युवराज पद पर भी पानी छोड़ रहे हैं। हमारी ये निडरता
धोखाधड़ी समझी जाएगी। और अब तो हम मुगलों के साथ रहने जा रहे हैं, हमारी ये निडरता हमें सही सलामत रखेगी क्या? युवराज प्रणाम, मैं मावली गांव का दशरथ जाधव पाटिल, मुझे पता चला तो मैं तुरंत चला आया। जाधव पाटिल, हम यहाँ आए हैं ये बात किसी को बताइएगा मत। ना ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा पाटिल, नदी के उस पार जाने के लिए कोई रास्ता है? वो है ना, वो उस तरफ से, वहीं से पार करते हैं लोग। चलिए जी। पाटिल, जी युवराज। रानू दीदी, आप क्यों आई? अरे आप क्यों आए? संक्रांत है, पवित्र संगम में स्नान किया तो पुण्य मिलता है ऐसा कहते हैं, तो हम भी पुण्य ही कमाने आए हैं यहाँ। रानू दीदी, हम जहाँ जहाँ जाते हैं आप वहाँ वहाँ आती हैं। प्यार समझिए। रानू दीदी, अब कैसे कहें आपको? कुछ मत कहिए, स्नान कीजिए और पुण्य कमाइए बस। जब आप पुण्य कमाएंगे तो पाप अपने आप ही किनारे हो जाएंगे। इशारा करेगा पर आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा, बहते हुए पानी में उतरने की। ठीक है, हम मंदिर में जाते हैं। आई कुछ पता चला शंभू राजा का? कहां तक पहुंचे वो? नदी के पानी का बहाव ज्यादा है, ऐसा सुना है कि कृष्ण के पानी में भवरे होते हैं, भवरे में गए तो जान हाथ से धोनी पड़ती है। हम प्रवाह के विरुद्ध में कूदने वाले हैं, इशारा मिला है। सावधान रहना पड़ेगा, शंभू भाई से नजर हटनी ही नहीं चाहिए। रानू दीदी, ये काशी विश्वेश्वर का बड़ा जागृत स्थान है, आप भी कीजिए अभिषेक। हम तो हमेशा ही करते हैं, बचपन से। हम समझे नहीं। आप जब छोटे से थे हम आपको स्नान कराते थे, वो शंभू समझकर नहीं, हमारे भोले शंभू महादेव समझकर। बहुरानी, संभालिए खुद को। और हमारा मन हमें कह रहा है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब तक तो संदेश आ जाना चाहिए था। यात्रा दूर की है, चिंता मत कीजिए। और शंभू राजे गलत सोचने वाले नहीं है, वो जो कुछ करेंगे वो सोच समझ कर ही करेंगे। शंभू राजे स्वराज्य के महाराज के साथ दगा करेंगे, ऐसी सोच भी मन में मत लाइए। देखिए बहुरानी, ये डर सिर्फ आपके मन में है। अब तक तो हम बीर मामा को युवराज को ले आना चाहिए। जरूर आएंगे, धीरज रखिए। और सुनिए, स्वराज्य के पुण्य इतने जल्दी खत्म नहीं होंगे। हमें भी यही लगता है पिताश्री, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मन हमें दिलेर खान के साथ युवराज की दोस्ती की झलक दिखा रहा है।
ये शंभु राजे को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? जाओ जाकर देखो आखिर बात क्या है। सरनो बता, आप यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? युवराज कहाँ है? उनसे मिलना है मुझे। वो गए हैं सैनिक जी, आजकल संकट चालू है ना, स्नान करो दान धर्म करो तो पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए गए। दिलेर खान की एक टुकड़ी कल माउल के आसपास घूम रही थी। कितने लोगों की फौज है? कल 1,000-1,500 की फौज थी, आज सुबह थोड़ी बड़ी हुई लग रही है। अरे फौज चलो पीछे मुड़ो, मौली के संग्राम पे चलो, हवा की तेजी से मौली पहुँचो, चलो। अरे कुछ भी हो जाए फिर भी राणो दीदी को चकमा देना ही पड़ेगा, तो ही आगे का कार्य पूरा होगा। शंभू भाई, पूजा हो गई, अभिषेक भी हो गया, अब निकलते हैं सज्जनगढ़ के लिए। राणू दीदी, मैं सोच रहा हूँ जरा जनता से मिलकर आता हूँ। प्रजा से तो हमेशा मिलते रहेंगे, अभी नहीं, अभी चलिए। आप पालकी में बैठिए ना, हम आते हैं। नहीं, आज हम घोड़े पर बैठने वाले हैं, आप ही के साथ आएंगे। जैसी आपकी इच्छा। देर तो हो ही चुकी है। हाँ? बेटी के लिए कोई खिलौना ले लो ऐसा सोच रहे हैं। इतनी भीड़ में आपको बेटी की याद आई? भवानी बाई की बार बार याद आती रहती है, इस क्षण में तो ज्यादा। नसीब है भवानी बेटी की। कौन सा खिलौना ले रहे हैं? आप ही देखिए। मिट्टी के बर्तन लूं कि लकड़ी की गुड़िया? घोड़ा, दौड़ने वाला घोड़ा हो तो लीजिए। मिट्टी के बर्तन लेती हूँ और दौड़ने वाला घोड़ा भी। आप देख लीजिए। शंभू भाई, पसंद आया? राणू दीदी, आप पसंद कीजिए ना। ठीक है। युवराज, सेनापति हंबीर मामा इधर आ रहे हैं। मामा साहेब ने रास्ता रोका तो एक बार तलवार से लड़ सकते हैं, निकला भी जा सकता है, पर शंभू बेटा बोल के गले लगाया तो? शंभू भाई, शंभू भाई, शंभू भाई, शंभू भाई।
जल्दी आओ दिलेर के दोस्त, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अब हमसे इंतजार नहीं होता, नहीं होता हमसे इंतजार, जल्दी आओ। पता नहीं। आपने नहीं कहा, फिर भी नदी के उस पार मुगलों के झंडों ने सब कुछ समझा दिया। हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो? जाने दीजिए हमें। अभी जाना है तो सीधे रायगढ़। किस लिए? फिर से अपमानित होने के लिए? नहीं रानू दीदी, अब रायगढ़ नहीं। फिर क्या मुगल तक की बंदगी स्वीकार करेंगे? बंदगी नहीं, राजा के तौर पर जाएंगे हम उनके पास। शंभू भाई, ये पागलपन है। पागलपन होगा, लेकिन हम अब ऐसा ही करने वाले हैं। रानू दीदी, हम ना उब चुके हैं इन सब बातों से। बार बार हमारा मन दुखाया गया, बार बार पूछताछ, बार बार आरोप, बार बार बदनामी। हम बस नाम के युवराज बन चुके हैं। नहीं नहीं रानू दीदी, 100 दिन बकरी बन के रहने से तो अच्छा 1 दिन जियेंगे, पर शेर बनकर जियेंगे। रानू दीदी, अब हमें गैर मर्जी, गैर समझ, मान अपमान नहीं चाहिए। अब बस हमें तलवार की आवाज चाहिए। अब हमें आरोप, बदनामी, द्वेष नहीं चाहिए। रणभूमि में पराक्रम चाहिए, और वही दिखाने के लिए हम जा रहे हैं। हमें रोकिएगा मत। हम रोकेंगे। एक बार कृष्ण नदी का पानी रोक सकते हैं, पर शंभू राजे अब नहीं रोकेंगे। मुमकिन नहीं है रानू दीदी, अब वापस जाइए। शंभू भाई, मत जाइए, मत कीजिए धोखेबाजी। धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं आप, पराक्रम गूंजे ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। हम मुगल के पैरों की बिल्ली होने के लिए नहीं तो उनकी कमर तोड़कर दूसरा मराठी राज्य निर्माण करने जा रहे हैं। उसके लिए दिलेर खान से दोस्ती करना जरूरी है। ये हमारे और स्वराज के हित के लिए है रानू दीदी। शंभू भाई, मुगलों से लड़ने वाले, उसके सर को धड़ से अलग करने वाले शिवाजी के शेर पुत्र हैं आप। शेर के बच्चे जैसे रहेंगे हम रानू दीदी। पिताश्री से कहो हमें क्षमा करें। यह मानहानि के कीचड़ में गड़े रहने से अच्छा पराक्रम की रणभूमि में वीर गति हासिल करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने सोचा, उत्तर दिग्विजय करके वो दिग्विजय पिताश्री के पुण्य पैरों में अर्पण करने के लिए हम वापस आएंगे। पिताश्री से कहिए हम निकल गए हैं। शंभू भाई, हर हर महादेव। शंभू भाई, रानू जी, युवराज को देखा कहीं पर? कहाँ है युवराज? चले गए, उस दिलेर खान के छावनी में चले गए। युवराज, अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे देखते क्या हो, चलो मेरे साथ। युवराज, युवराज रुकिए, युवराज कहाँ जा रहे हैं? अरे रोको युवराज को। दीवान कीर्तिवान शौर्यवान राजसी शक्र बुद्धि वीर आ गया, प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है प्रण लिए। युवराज
तो मां भवानी की कसम है। अरे युवराज, शेर के बच्चे को सियार और कुत्तों ने चुरा लिया।